मम्मी जी, ये बुक्स तो अब कोई पढ़ता भी नहीं है, इसे अंदर रख दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये सब किताबें मेरी बेटी के हैं। वो ससुराल चली गई तो क्या, वो जैसे जो चीज यहाँ रखी गई है वैसे ही रहेगा। मम्मी जी, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए घूम आते हैं बाहर से। हाँ तो तुम लोग अकेले थोड़े जाएगी, मेरे स्वीटीज भी पूछते हैं कहीं उसको भी जाने का मन हुआ तो। हाँ स्वीटी बेटा, भाभी और भैया लोग घूमने जा रहा है, तुम लोग भी जाएगी क्या? ये कहीं और घूमने जा रही है। एक काम करते हैं मम्मी जी, जहाँ दीदी जा रही है वहीं हम लोग भी चले जाते हैं उनके साथ। हाउसफुल है ना बेटा, गाड़ी फुल होता है मम्मी जी। हाँ हाँ वही गाड़ी फुल। तुम अपनी सास को नहीं बोले, तुमको यही मन है। मम्मी आज खाने में क्या बनाओ? तुम खाने में क्या बना रही है बेटा? अरे आज हमको भी मन कर रहा है, काम करो आलू बैगन बना दो। तो आलू मटर खाने तो क्या हुआ, तुमको आलू मटर बनाने का मन है तो आलू बैगन बनाओ, मेरी बेटी वही बना रही है अपने घर में। बेटी दूर है, उसका हाथ जैसा स्वाद तो नहीं है मिल पाएगा, लेकिन लगेगा तो दोनों माँ बेटी साथ ही खा रहे हैं। जाओ बनाओ। मम्मी जी मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊं। मायके जाना है? रुको स्वीटी से पूछ के बताते हैं। ठीक है। हाँ स्वीटी, भाभी मायके जाना चाह रही है। अच्छा, ठीक है कल शाम में चली जाओ। मम्मी जी मैं पार्टी जा रही हूँ, जाओ। अच्छा रुको स्वीटी से पूछ के बता। हाँ पूछिए। अच्छा चली ही जाती हूँ।